हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं अंजलि गोठाने। आज हम बनाएंगे गुजराती ट्रेडिशनल मेथी का ठेपला। तो उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 2 कटोरी गेहूं का आटा लेंगे। एक दो, उसमें आधा कटोरी बाजरे का आटा, मैंने आधा कटोरी लिया है बाजरे का आटा, वो मैं डाल रही हूँ। आधा कटोरी बेसन, एक कटोरी मेथी, इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। इसमें स्वादानुसार नमक, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ये अजवाइन है, इसे थोड़ा हाथों से क्रश करके डालेंगे, और जीरा, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसे हम दही से गूंथेंगे, पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। आप कहीं बाहर जा रहे हो, सफ़र में जा रहे हो, तो ये आराम से 3-4 दिन रहेंगे, तो आप इसे खा सकते हो। 3-4 दिन बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे ये। थोड़ा थोड़ा मैं दही डालूँगी, जैसे जैसे लगता है उतना मैं यूज़ करूँगी, और इसे अच्छे से गूँथ लेते हैं। इस तरह हम इसे अच्छे से गूँथ लेते हैं, जैसे हम रोटी का आटा गूँथते हैं ना, बस सेम उसी तरह हम। तो चलिए इसे बनाते हैं अभी। इस तरह हम छोटे छोटे बॉल्स बना के इसे बेल लेते हैं, जैसे हम पुरिया बनाते हैं ना, उससे थोड़ा बड़ा साइज और पतला पतला बेलेंगे। इस तरह आराम से आप बनाइए। इसे आप थोड़ा बटर डाल सकते हैं, तेल डाल सकते हैं, जो भी आप यूज करना चाहते हैं आप इसे यूज करिए। देखिए कितना मस्त बढ़िया बन गया है। आप इसे टिफिन में भी दे सकते हैं, मॉर्निंग में आसान है। इस तरह हम इसे निकाल लेते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। थैंक यू।